मथुरा के थाना हाईवे इलाके नरहोली में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ मारपीट व हुआ जानलेवा हमला। मथुरा थाना हाईवे के इलाके नरहोली में आज सुबह एक पत्रकार पर उस समय हमला कर दिया गया जब वह स्मैक व गांजा बेच रही एक महिला की कवरेज कर रहा था कि घटना सूचना पर लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया और वहां पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे पत्रकार को हमला कर रहे लोगों से बचाया। मामला आज सुबह तकरीबन 8 बजे का है। थाना हाईवे क्षेत्र के गाँव नरहोली के शमशान घाट के पास एक महिला व उसके परिवारजन का निवास है और वहीं पर उन लोगों ने एक खोखा खोल रखा है। आरोप है खोखे की आड़ में वहां पर गांजा खुलेआम बेचा जा रहा था और महिला के घर में जिस्म फरोशी का धंधा भी चल रहा था। इसकी सूचना एक पत्रकार को प्राप्त हुई। सूचना पर हेतराम नामक पत्रकार उक्त स्थान की कवरेज करने गया, तभी वहां पर मौजूद आरोपी महिला व उसके पुत्र व पति ने पत्रकार हेतराम पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना पर वहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे पत्रकार को हमला कर रहे लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पत्रकार ने भी जैसे तैसे अपनी जान उन लोगों से बचाई। घटना की सूचना पर उप निरीक्षक रिंकू कुमार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पत्रकार हेतराम का आरोप है कि इस दौरान उनसे जाति सूचक शब्द भी कह गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पत्रकार हेतराम को मेडिकल के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अभी 2 साल पहले ही यहां पर रहने आई थी और जब से यहां पर रहने आई है तभी से उसने यहां पर अवैध गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मेरा नाम हेतराम सिंह है, मैं नेशनल टुडे चैनल से एक पत्रकार हूं मथुरा से। यहाँ मैं मुझे सूचना मिली कि यहाँ मादक पदार्थ बिक रहा है और जिसमें पड़ोसी का धंधा होता है। मैं सूचना पे यहाँ आया तो मैं यहाँ आके वीडियो बनाने लग गया। वीडियो बनाने लगा तो पीछे से इसका ये खोखा रखा हुआ है, ये उसके हस्बैंड का, यहाँ पे जो मादक पदार्थ बेचता है कुछ अंदर बेचता है और अंदर जिसमें पड़ोसी का धंधा चलवाती है औरत है जो। तो मैं यहाँ से पीछे पीछे वीडियो बनाने गया तो पीछे भी डंडा लेके आया, उसने मारपीट की मेरे साथ में। ये देखिए मेरी लगी हुई है बहुत जोर से, और क्या नाम है जो औरत है वो पीछे से आई है, फिर मैं उधर से भागा हूँ तो ये उसने मुझ में डंडा मारा है। मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, देखिए पूरी तरह हालत खराब कर दी है और मैं इतनी भयंकर तरीके से यहाँ से भागा, मेरी डंडा ईट लेके भागे, मैं अपनी जान कैसे बचाई मुझे मालूम है। उस टाइम पे आप अकेले थे क्या? मैं उस टाइम अकेला था और मेरे साथ कोई नहीं था। पुलिस प्रशासन को कॉल किए, घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पे और आनाकानी हो रही थी। थाने में फोन किया मैंने, दरोगा जी को फोन किया, हाँ अभी आ रहे हैं, इसको भेज रहा हूँ उसको भेज रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक घंटे से कॉल कर रहा हूँ, एक घंटे उसने 2-3 बार तो ईट पत्थर बरसाना चालू कर दिया पीछे से। मैं वहां से भी जान बचा के भागा हूँ। तब मैंने कुछ लोगों को रागीरों ने मुझे बचाया, यहाँ के चलते रागीरों ने काफी टाइम से चल रही है। ये मेरी बहन है, इस बहन ने मुझे बचाया यहाँ के और डंडा मारा है। मेरा भयंकर तरीके से मारपीट है, मेरी बहन के सामने डंडा मारा है भाई, कोई गलत जी। हाँ मुझसे चमा डेढ़ा भी कर लिया, देख लेंगे हम जी। कोई कार्रवाई नहीं की, बस आके अंदर घुस गए घर में, उनसे क्या बातचीत की है मुझे नहीं पता, कि ये भी नहीं कि क्या बात है, बाहर बुला के कोई बातचीत नहीं की पुलिस ने। अंदर ही अंदर बात चल रही है, कोई बात नहीं चल रही है। मैं ये चाहता हूँ उनकी गिरफ्तारी हो जाए सबकी और ये जेल जाए। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको जेल भेजा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो मादक पदार्थ चक्कर में और जिसम पड़ोसी में। यहाँ का माहौल, कॉलोनी का माहौल इन्होंने इतना खराब कर रखा है इससे ज्यादा, और बिजली चोरी भी जला रही है पीछे से देख सकते हैं आप, वहाँ बिजली चोरी जल रही है, शमशान में भी चोरी लेकर रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद सिंह है। क्या घटना घटित हुई है यहाँ पे? मैं यहाँ पर, मेरा खेत है यहाँ पर, मैं आया था घूमने अपने खेत पे, तो यहाँ से मैं जा रहा था तो यहाँ से अंदर घुसा था, इसने लेडीज ने पूछा यहाँ पे क्यों आया है, मैंने बोला मेरा खेत है तो यहाँ पे खेत है तो यूं जाना तो यूं नहीं जाने, इसने गाली दी क्योंकि चमाट डेढ़ा तेरा यहाँ पे खेत है तो यूं जा, इसने मेरे पे हद्दे बरसाए और बोल रही थी कि लड़की यहाँ पे धंधा बंदा कराती है वो। ये 2 साल से हो रही है, 2 साल से कर रही है। पुलिस प्रशासन को सब पता है, कई बार सूचना पहुंच चुकी है फिर भी कोई पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। घटना ये भैया कि ये भाई आए होंगे इधर, ये भाई इधर आए होंगे तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसमें बच्चों की उनकी इसमें गाड़ी की लाइन लग रही होगी, इन्होंने वीडियो बनाना चालू, इधर देखे तुम्हारे 2 एकड़ गाड़ी खड़ी होगी, कोई धंधे वाले आए होंगे तो इन्होंने उसकी वीडियो बनाना चालू करा। तो इसी बात को लेकर के इन लोगों ने अकेले लड़के को पकड़ के मारा पीटा 3 बेला 2 आदमियों ने, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मेरे पास घर पे गए बुलाने के लिए, मेरा भाई की दीदी मेरे साथ घटना हो गई, ऐसे बात है। मैं न्याय में पूछा हूँ भाई क्या बात है, तो मेरे सामने भी उस लड़के में डंडा मारा, पकड़ के पीटने लगे। जब से ये लेडीज आई है यहाँ पर, इसने इतना गंदा माहौल खराब कर रखा है। चरस गांजा तो बिकवाती है, मगर ये छोटे छोटे बच्चों को स्मैक दे दे करके और बोलती है कि तुम यहाँ पे मेरी स्मैक बेचो, मैं तुम्हें 800 रुपए डेली दूंगी। कब से महिला यहाँ पर रह रही है?
ये अभी आई है कैंप से एक साल दो साल से दो साल हो गए इसको। वैसे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली महिला है ये? यहाँ से बताते हैं ये है तरौली की, और नहीं ये यहाँ से बालाजीपुरम से आई है ये, पहले बालाजीपुरम में रहती थी। और इसमें गांजा वगैरह सब, और ये अय्याशी का धंधा भी खोल रखा है साथ में। ये मैरिज होम में और जना कहाँ कहाँ जाती है? अगर आपने पहले पुलिस को कोई आपत्त नहीं कराया? और मेरे ऊपर है ना, एक बार दो लड़कों को पिटाई कर रही थी, ये बेचारे छोटे छोटे थे, मैं देखने गई, मैंने कि क्या हो गया, तो उसने मेरे ऊपर ही ईंट ईंट पथराव किया। मैंने कि ये मेरे ऊपर क्यों कर रही है भाई, मेरे को क्या कर रही है? रहने वाली है। अरे मैं सामने इसके आए दिन, और इसने मेरी यहाँ चोरी भी करवाई, क्योंकि जब है ना आए दिन इसके यहाँ गुंडे आते रहते हैं मेरे, मैं यहीं पे पास में ही रहती हूँ।